दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। DU के UG, PG, SOL और NCEW का पूरा कंप्लीट डिटेल होगा। कंप्लीट पैकेज है इस वीडियो में। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। 3 स्टेप बताऊंगा जो कि इस साल एडमिशन प्रोसेस फॉलो होने वाला है, और इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा, क्योंकि डेट के लिए बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि यूजी का, पीजी का, एसओएल का, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का भी डेट अभी तक पता नहीं चला है, उसका भी अपडेट दूंगा। इतनी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में है कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए, अभी हाल फिलहाल NCEW का वेबसाइट पे आया है कि जितनी भी लड़कियां हैं दिल्ली NCR के, वो लोग 25 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकती है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर NCEW को एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक? 25 सितंबर, यानी 25 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो एक तो अपडेट चुटकियों में मैंने अभी बता दिया, उसके बाद मैं यूजी, पीजी और SOL, जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, उसका भी अपडेट लेके आया हूं। तो एक एक करके तीनों चारों अपडेट मैं आपको बताता हूं। एक अपडेट तो बता दिया कि जो लड़कियों के लिए जो स्पेशल कोर्सेज होते हैं, उनका 25 सितंबर तक फॉर्म का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप लोग अपने वेबसाइट पे जाइएगा, ncwebadmissions.uod.ac.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं 3 तरीके जिससे इस साल एडमिशन होने वाले हैं, क्योंकि CUT का आंसर की आ गया है। अब DU में जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आए हैं CUET का, इसमें एडमिशन प्रक्रिया 3 स्टेप में होने वाली। कैसे होने वाली है? देखिए, अभी तो आंसर की आया है CUET का, ये टेंटेटिव आंसर की होता है, यानी टेम्प्रोरी। इसके बाद फाइनल आंसर की आएगा और रैंक लिस्ट भी आएगा, इसके साथ आपका स्कोर कार्ड भी आ जाएगा। तो ये 2-3 दिनों में सब चीज होने वाला है, और 2-3 दिन में ही ये सब DU UGPG का डेट, देखिए डेट आपको आखिर में बताने वाला हूं। तो ये देखिए 3 जो स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं। पहला स्टेप में कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम एक पोर्टल लॉन्च होने वाला है। ये लॉन्च कब होगा, किस तारीख को होगा, वो इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। रुकिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होगा CUET का एप्लीकेशन नंबर से CSAS पोर्टल पे। एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, कुछ हो सकता है फीस भी रखने वाली है DU। अगर फीस नहीं रखती तो अच्छी बात है, फीस रखती है तो फिर वही बात हो जाएगी कि 10 जगह एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जामिया में अलग फीस देंगे, JNU में अलग फीस देंगे, DU में अलग फीस देंगे, इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, BHU में अलग अलग फीस देंगे, तो फिर मसला जो है ना खराब होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप CUET बोले थे कि एक एग्जाम होगा, एक फॉर्म भरेंगे और सब में काउंसलिंग होगा, लेकिन अगर काउंसलिंग के लिए भी पैसा लेते हैं तो फिर बात वही रह गई जो पहले हुआ करती थी। तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो लॉन्च होने वाला है उस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद DU क्या करेगी, अपने कॉलेज वाइज, सेंट स्टीफन हो गया, रामजस हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, इस हिसाब से ये अपना कट ऑफ तैयार करेगी। CUET तो एक अपना रैंक तैयार करेगा, लेकिन DU भी अपना कट ऑफ, अपना रैंक, अपना मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। किसके बेसिस पे? जितने लोग अप्लाई करेंगे DU में, किसमें? DU में CSAS पोर्टल पे जो लोग अप्लाई करेंगे, उन लोगों का ही मेरिट लिस्ट बनेगा। कट ऑफ रैंक कॉलेज वाइज बनेगा कि स्टीफन के ऊपर जाता है, फिर हिंदू कॉलेज, रामजस हो गया, लेडी श्री राम कॉलेज हो गया, ARDS आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज हो गया, वेंकटेश्वरा कॉलेज हो गया, जो भी होगा मेरिट लिस्ट बनेगी रैंक वाइज। उसके बाद तीसरे स्टेप में सीट अलॉटमेंट होगा, सीट एलोकेशंस होगा कि आपको सेंट स्टीफन मिलेगा, उनको हिंदू कॉलेज, उनको ARDS मिल गया, उनको वेंकटेश्वरा मिल गया, उनको मिल गया शहीद भगत सिंह मिल गया, उनको मिल गया PGDAV कॉलेज। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका रैंक CUET में कितना है, उस हिसाब से DU भी अपना कट ऑफ तैयार करेगा। तो 3 स्टेप में होने वाले, पहले में रजिस्ट्रेशन, दूसरे में DU अपना मेरिट निकालेगा, तीसरे स्टेप में आपको सीट एलोकेशन होगा। तो ये 3 स्टेप थे जो कि इस साल फॉलो होने वाले। अब इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट डेट्स कैसे पता चली है, ये द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज एजेंसी है, इन्होंने बात किया है DU के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो DU के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि देखिए 20 अक्टूबर से हम लोग सेशन शुरू करें, एडमिशन नहीं, सेशन शुरू करेंगे, और प्लानिंग ये हो रही कि 12 सितंबर को एडमिशन पोर्टल लॉन्च किया जाए। कब? 12 सितंबर से। तो हम लोग CUET UG का जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 से लेके 15 सितंबर के बीच में, क्योंकि इसी बीच में फाइनल स्कोर कार्ड आ जाएगा, CUET का मेरिट लिस्ट आ जाएगा, रैंक आ जाएगा। तो सितंबर 10 से लेके 15 तक,
के बीच में हम लोग सीयूईटी यूजी का रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पोर्टल भी हम लोग 12 सितंबर को लॉन्च कर रहे हैं और आज से 9 को लगता है कि वेबसाइट अप हो जाएगा, यानी वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगा। 9 सितंबर की मीडिया की रिपोर्ट थी कि आज 9 सितंबर को पोर्टल लॉन्च होगा सिर्फ यूनिवर्सिटी वालों के, लेकिन स्टूडेंट के लिए 12 सितंबर, याद दीजिए, ध्यान दीजिए, कहाँ है ध्यान किधर है, 12 सितंबर को, 12 सितंबर को आपको मिलेगा किसका, DU का पोर्टल, उसके बाद आपका जाकर रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो आपके लिए 12 सितंबर, लेकिन अभी मीडिया की रिपोर्ट माने तो 9 सितंबर को ये लोग अप करने वाले हैं वेबसाइट को टेस्टिंग के लिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, ये लोग अपने टेस्टिंग वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद आपके लिए 12 सितंबर का प्लानिंग है, क्योंकि इसी बीच में रिजल्ट भी आने वाला है। तो ये रहा डेट्स। अब आप पूछेंगे पीजी का बताइए, तो पीजी का भी बताते हैं, लीजिए, पीजी का विद इन वीक आने वाला, क्योंकि 12 सितंबर तक ही इसका सीयूईटी पीजी का टेस्ट होगा। कितना, 12 सितंबर, आज 9 है, 10 11 12 तीन दिन ही बस और टेस्ट होने वाला है, तो इन तीन दिन में टेस्ट हो जाएगा। तो विद इन वीक, यानी हो सकता है कुछ दिनों में, दो तीन चार दिन में ही आपका DU PG का एंट्रेंस टेस्ट के डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तब DU PG का एंट्रेंस टेस्ट, ज्यादा समय नहीं लगना है, विद इन वीक, ये वीडियो रखिएगा, विद इन वीक में आपका डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आपका टेस्ट कब होगा, ठीक है। अब SOL वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो SOL का भी एक्सपेक्टेड डेट अक्टूबर में लॉन्च होने वाली है पोर्टल, और 15 दिसंबर तक लास्ट डेट होने वाली। इसका रीजन क्या है, रीजन मैं बताता हूं। रीजन ये है कि ज्यादातर बच्चे SOL में वो एडमिशन लेते हैं जिनको रेगुलर में दाखिला नहीं मिल पाता है, जिनको, फिर से ध्यान दीजिए, जिनको रेगुलर में दाखिला नहीं मिल जाता है, नहीं मिल पाता है, सीट नहीं मिल पाता है रेगुलर में, वही लोग SOL में एडमिशन लेते हैं। देश में सबसे ज्यादा डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो DU SOL है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो DU SOL का एप्लीकेशन का इंतजार लाखों बच्चे कर रहे हैं, लेकिन ये कब लॉन्च होगा, पहले रेगुलर का सीटें फिल हो जाएगा, उसके बाद SOL का एप्लीकेशन आएगा। तो समझ लीजिए, पिछले साल कोरोना की वजह से नवंबर में शुरुआत हुई थी, तो इस साल उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर के लास्ट वीक में जो नवरात्रा खत्म हो जाएगा, दिवाली शुरू होगा, दिवाली के आसपास में पोर्टल SOL का लॉन्च होगा, उसके बाद अच्छा खासा पूरा नवंबर दिया जाएगा, 15 दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि आपको समय दिया जाएगा, तब जाके एडमिशन होगा। तो SOL का जब शुरू होगा, जब UG PG का कंप्लीट हो जाएगा प्रोसीजर और सीट एलोकेशन हो जाएगा, और जिनको रेगुलर में मौका नहीं मिलता है वो लोग SOL में जाते हैं। तो पहले SOL का फॉर्म निकलेगा तो सही नहीं है, एक सीक्वेंस में हर काम होना चाहिए। तो DU UG PG का एडमिशन होगा, NCWEB का हो जाएगा, उसके बाद SOL का एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा। तो ये अपडेट आपको कैसी लगी है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बस एक वीक में यूजी का भी सब चीज होने वाला है और पीजी का भी डेट्स आने वाली है, और SOL का अपडेट्स मिल गया, और NCWEB का 25 सितंबर तक लास्ट डेट है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।